जोर से बोलना जरा, क्या नाम है आपका? संतोष। जोर से जोर संतोष। संतोष कहाँ के वा? मांडल जोधा। मांडल भिलवाड़ा जोधा मारवाड़। मारवाड़ के हो? मारवाड़ नागौर के हो। क्या हुआ आप किस भट्टे में काम करते थे? अनुभाई। हाँ अनुभाई का भट्टा। ये कहाँ पर है? धोलका। अच्छा, क्या हुआ था? ये मट्टी ले रहा था। हाँ मट्टी ले रहा था अनुभाई भट्टे पर, तो इसको मेहता पकड़ के लेके आए। किसको? हंसराज मेहता। हंसराज को मेहता पकड़ के लेके आया था अनुभाई के पास, तो अनुभाई इसको पकड़ के ऑफिस में डाले। अच्छा। और मैंने कपड़ा धो रहा था, इसको छुड़ाने के लिए खड़ा होया, तो ये मेरे को गाल बोली। गाले बोली मेरे को छुड़ाने के लिए गया, तो ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ के ये हाथ मरोड़ दिया था। किसने मरोड़ा आपका हाथ? अनुभाई को। अनुभाई। हाँ ये मेरा लोगड़ा फाड़ दिया। अच्छा आपका? हमारा का लोगड़ा फाड़। क्या हुआ? और हम छुड़ा के भाग रही थी, और इसको पकड़ के ऑफिस में डाल के दो तीन लपड़ मारी। अच्छा। और लकड़ी की मारी इसको। तो फिर आपको इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हमने किया कि मेरे को पानी नहीं लेना है, मारे तो पानी नहीं लेना। अच्छा। मट्टी नहीं लेना मेरे को। फिर आपको पैसा वैसा नहीं दिया? हिसाब नहीं किया आपका? हमारे को बोलता पैसा नहीं दूंगा तेरे को, चली जाओ। और किसके साथ मारपीट किया? हंसराज के साथ। हंसराज के अलावा और किसको मारा? मेरे को। और कोई महिला को मारा? नहीं मारा। हमारे को बोले पानी नहीं लेना, इसको रोज गाल बोलता माँ बहन की, तो हमारे को पानी कैसे लेते हैं। ये कितने दिन पहले हुई घटना आपके साथ? हमारे को तो 6 महीना हो गया ऐसा ही बोलता है। ऐसा ही बोल रहा है। तो आपको कब निकाला इन्होंने भट्टे से? हमारे 10 तारीख। 10 तारीख को निकाला। उसके बाद आपके खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? यूनियन वाला। यूनियन वाले। क्या नाम है यूनियन वालों का? रमेश भाई। नहीं यूनियन कौन सी है? ईट भट्टा की यूनियन है क्या? ईट भट्टा। ईट भट्टा की यूनियन है। प्रयास वालों ने हेल्प किया? ईट भट्टा प्रयास ने। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? हमारे के लिए खाने पीने की, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ। और रहने की क्या कर रहे हैं? रहने की व्यवस्था की कुछ? रहने की व्यवस्था की। व्यवस्था की उन्होंने। अब वो क्या काम कर रहे हैं, किसके क्या करने वाले हैं आपके साथ? क्या बताया उन्होंने? हमारे को हिसाब ही रहने का। अच्छा हिसाब करवाएंगे? हाँ। क्या आपका कोई हिसाब निकल रहा है? आपके पास डायरी है कोई? हाँ सबके पास डायरी है। डायरी है आपके पास? 3-4 लाख रुपए निकलता है, हमारे को देता है नहीं है। वो बोलता है कुछ नहीं करने वाला, जब जब जाओगा जो कोई नहीं करेगा मेरे को, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरे को। कितने बच्चे हैं आपके साथ अभी? हमारे साथ तो 22 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं टोटल। हाँ। ये क्या इनके स्कूल का कोई करते हैं भट्टे पे कोई व्यवस्था है इनकी? नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं आता, लाइट वगैरह कुछ नहीं आता। कोना है? कोना में ले आया। एक बार ये स्कूल में आवे स्कूल में कोई सुविधा नहीं है भट्टे पे। व्यवस्था नहीं है लाइट का, कुछ नहीं सुविधा। लाइट वाइट वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं। लाइट का वगैरह कोई व्यवस्था नहीं था वहां? कोई नहीं। बलिता ना लकड़ी भी वही भी नहीं। भट्टा मालिक ने अभी कुछ और कहा आपको? यहाँ पे हो यूनियन के बाद, यहाँ पे काम बैठे हो अभी, तो कुछ फोन वगैरह किया उन्होंने? हमारे को बोलिया के भट्टे पर कोई धंधा नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ। हिसाब हिसाब कुछ नहीं दूंगा, अभी तो मारपीट की नहीं। उगमराम को मारपीट की, दवाखाने नहीं जलिया उसको, ऐसा मार के खिलाऊंगा तो मैं भट्टा के बाहर निकल के आया जल गया। यूनियन के कितने लोग कब कब आए आपके पास? यूनियन की तरफ से कौन कौन आया? यूनियन के है ना, यूनियन ईट भट्टा यूनियन की तरफ से कौन कौन आया आपसे मिलने कल परसों? आप बताओ कितने लोग आए? 3-4 लोग आए। 3-4 लोग आए थे। क्या बोला उन्होंने? ये यूनियन वाला बोला कि मैं दिलाएंगे आपको, दिलाएंगे ऐसा बोला। खाने की सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं सब? हमारे को भट्टे पर आया ना। हाँ। अच्छा आपको कहाँ ले गए थे? कलेक्टर के सामने ले गए थे क्या ये लोग? हाँ। कब ले गए थे? कल ले गए। परसों ले गए थे। आपका क्या नाम है? हंसराज है मेरा नाम। हाँ हंसराज है मेरा नाम। हंसराज नाम है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई थी। कौन से भट्टे से हुई? उन्हें अनुभाई का भट्टे पे। अनुभाई का भट्टा कहाँ पर? आपको काविटा गाँव में। काविटा गाँव में। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ऐसा बोला सीखने के पानी ले गए घानी में, ईंट भिजोने के लिए, ईंट बनाने के लिए। तो मैंने कहा अर्धा ही लूंगा, वो बोल रहा
पूरा ले 2000 का ईंट का गाना ले गारा ले। तो सेठ ने बुलाया मेरे को ऑफिस में, बुला के बोला ये गारा क्यों नहीं लेता, मैं क्यों मेरे पेट पेट से मेरे लुग गई तो अर्धा ही लेगा पानी ऐसा बोला। अगर उसको मेरे को बुला के ऑफिस में मारा पीटा, तो फिर उसे सामने मेरे ठेकेदार नहीं थी वो कपड़ा धो रही थी, कपड़ा धोने के बाद उसने आके मेरे छुड़ाने आई, ठेकेदार ने का हाथ में रोड़ दिया सर पकड़। क्या नाम है सर ठेकेदार ने का? संतोष देवी। संतोष, संतोष देवी वो छुड़ाने आई तो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, तो उसने पकड़ा तो मैं भाग रहा था, मैं भाग रहा था तो मेरे को और फिर पकड़ा सेठ ने पकड़ के और मेरे को बचड़ा दिया, सिर में चोट आई मेरे। सिर में चोट आई? चोट आई सी। मेडिकल कराया? मेडिकल नहीं कराया। मेडिकल नहीं कराया? नहीं। कहाँ पे ये चोट है सर? अभी है चोट है इधर घुमा हुआ है। अच्छा घुमा हुआ। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? तो मैं भाग रहा था, मैं बट्टे से बाहर निकलने से भाग रहा था, तो मैं साथ में काम कर रहे थे वो लोग आए हमारे को पकड़ समझा दे, तो उसने सामान वामान सब फंका दिया सेठ ने, सामान फंका के वो सबको बोल रहा था हिसाब किसी को नहीं दूंगा, ऐसे भाग जाओ बाहर निकल जाओ ऐसा बोल रहा था, तो सब मैं भेगा हो गए। और फिर वो वहाँ बाहर खड़ा था तो सेठ ने बोला आगे या भाग जाओ नहीं तो सबको ही मारूंगा ऐसा बोला, तो मैं छाने से सब छुप के इधर से आ गए उन्हीं के पास। कितने लोग हैं? 23-25 आदमी होंगे। 23-25 आदमी? और महिलाएं वगैरह कितनी हैं? हाँ महिलाएं कितनी टोटल? महिला है 10-12 है। 10-12 महिला। अच्छा बच्चे भी हैं और महिला भी हैं? महिला भी है बच्चे। अब आपके पास खाने कब की बात है, कब से आपको बाहर निकला बट्टे से? बाहर निकाल परसों। क्या क्या तारीख थी? 10 तारीख से। 10 तारीख से? 10 अप्रैल से निकला आपको। उसके बाद आप कहाँ रह रहे हैं? अब मेरे पेट्रोल पंप के सामने ये रामदेव का मंदिर है। रामदेव मंदिर। पहले आप एक दिन तो कहाँ रहे? यूनियन ऑफिस में रहे? एक दिन तो यूनियन के ऑफिस में रहे, उसके बाद आप यहाँ रहने लगे। हाँ जगह नहीं है सही, इसलिए पेश किया कहीं कलेक्टर के सामने हो गया। कलेक्टर सर क्या पेश किया करते हैं आप सारे लोग? किस रेट से आपको लाए थे, कौन लाया था आपको वहाँ से? वहाँ से परसाराम। परसाराम कौन है? ठेकेदार है। ठेकेदार है। अभी आपके साथ है वो? साथ है अभी, साथ है। क्या करते हो भिलवाड़ा मंडल में? वहाँ खेती बाड़ी का धंधा है। खेती बाड़ी करते हैं। जमीन कितनी आपके वहाँ? जमीन है? जमीन इतनी है नहीं हमारे पास, तो हम रहने की जगह है और रहने की जगह है। कब से आप यहाँ पर हैं? 4 महीना होगा। नवरात्रि नहीं आती? 5 महीना हो गया हमें। आप बताइए। 5 महीना हो गया सर। 5 महीना हो गया तो 5 महीने से कितना कोई खर्ची वगैरह दिया आपको? हमारे को दिया 25,000 का खर्ची हुई। 25,000 खर्ची दिया? कब देता खर्ची वो महीने में? महीने में है हफ्ते से देता था, हफ्ते से खर्ची देता था 1,000, 1,200, 1,500 ऐसे देता। अच्छा उसके बाद और कुछ पैसा नहीं दिया अभी तक? एडवांस में कुछ लिया आपने पैसा? हाँ एडवांस में कुछ लिया। क्या एडवांस लिया थे? कितना लिया? लिया 10-12 हज़ार रुपया। 10 लिया है 12 लिया? 12,000 से। 12,000 रुपये लिया आपने। अब वो क्या बोल रहा है आपके ऊपर टूट निकल रही है? ऐसा बोल रहा है? हाँ ऐसा टूट बोल रहा है, सबको आधा हिसाब करके निकाल दूंगा और ऐसे बोल रहा है। सोकी रेट दूंगा तुमको, भागो यहाँ से। हमारा अंगूठा दिलावा लिया। ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार ने कुछ किया नहीं? ठेकेदार ने क्या कर रहा है? ठेकेदार लेके आया ये। ठेकेदार सबको ही है। और क्या चला बच्चे वगैरह इनका कोई व्यवस्था है वहाँ पढ़ने वढ़ने की? कोई पढ़ने की लाइट का कुछ नहीं? लकड़ी का लाइट का कुछ व्यवस्था नहीं है? मैं पीने की व्यवस्था नहीं करता हूँ, बट मैं उसने किया उसने। नहीं नहीं सर इस साल में डाला है। हाँ कितने लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले? वहाँ पे आदमी करे किनार और 200 आदमी होगा। 200 आदमी कहाँ के और भी हैं क्या? नागौर के अलावा? नागौर के अलावा है उसके लाया हुआ है वो तो दूसरा हुआ उसमें। क्या नाम है आपका? चेनाराम सर। चेनाराम। कहाँ के हो आप निवास? मांडल जो देखे। मांडल के हो आप? कब से काम कर रहे हो इस बट्टे पे? हम नवरात्रि का आए थे और हमारे 4-5 महीना हो गए सर। कौन सा बट्टा आपका ये? ये कावटा गांव में है, अन्नू भाई का बट्टा। अन्नू भाई का बट्टा। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे? ईंटें निकालते हैं सर। आप ईंटें निकालते हो? हाँ सर। तो आप इनके साथ आए थे? हाँ सर। कब कितना टाइम हो गया इनको? 3-4 रोज हो गए। 4 रोज हो गए इनको? सबको लेके आप आए थे? हाँ सर। अच्छा तो क्या बात की थी इन्होंने पहले आपसे? इनसे बात, इनसे तो जो कामकाज की हुई थी और हमारे सेठ के से बात हुई थी, वो तो सेठ क्या हमारे से कायम झगड़ रहा था, तुम्हारे हमारे पास में कुछ नहीं ले जाओगे, कुछ नहीं ले पाओगे, तुम्हारे को सीजन में तुम्हारे को मैं बहुत मारूंगा, तुम ऐसे जो करोगे जो मैं करने नहीं दूंगा। हमारे जो बीच में करा होली के ऊपर हिसाब करने का बोला, वो भी हिसाब पूरा नहीं किया। तो आपने बीच में कुछ कहा नहीं कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात? बीच में किया साहब, हमारे को हिसाब, सबको हिसाब दो पूरा और हमारा पैसा दो, बोला कि नहीं दूंगा, हमारे ऐसा नहीं करूंगा, हमारा कॉल है
हमारा कॉल तो आकत्रीज का था, पर उसने 2 महीना बाद में कॉल लिख लिया। आपने कितना एडवांस लिया उससे? हमारा एडवांस 2,30,000 रुपया। 2,30,000 रुपया आपने लिया एडवांस? हाँ सही। अब क्या बोल रहा है उसके? उसका अभी हमारा में हम चुका के उसी में 4-5 लाख रुपया निकल रहे हैं। हम मांग टूट निकाल दिया आपके ऊपर? और भी वो बोल रहे हैं 100 की रेट से दूंगा, टूट निकलेगी तुम्हारी। ऐसा कुछ आप लिखा हुआ के नहीं लिया? लिखान नहीं कराया? पर लिखान नहीं, लिखान किया हुआ है उसके पास में, ऐसा ही हमारे पास में नहीं है। आपने कॉपी नहीं लिया? नहीं दिया ही नहीं हमारे को, लिखान नहीं किया। अब वो क्या आपके साथ मारपीट की क्या उसने कोई? हाँ सर, हमारे साथ में कुछ नहीं किया, हमारे पाटले वाले के साथ में की सर। और ये सब पाटले वालों को क्या बोला? दूसरों को किसी को कुछ पैसा दिया? किसी को? सबको दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। कितना कितना दे रखा है? आपने दिया है उन्होंने दिया? हमने दिया है सर। आपने दिया? हाँ दिया आपने। अब सबको कोई को 10 दिया, कोई को 15 दिया, ऐसे सबको दिया हुआ। किस रेट से लेके आए इन सबको? इनको जो गवर्नमेंट रेट खुलेगी वही। क्या रेट लेके आए थे? नहीं आपने कुछ बात, क्या रेट कह के लाए थे आप? हम तो जो गवर्नमेंट रेट खोल के लेके आते हैं। नहीं, आप क्या कह के लाए इनको? हम तो 500 के भाव से, 511 के भाव से, 511 के भाव से आप लेके आए। अब क्या हो रहा है इनका, मतलब खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? इनकी जो गवर्नमेंट कर रही है सर, है ना, खाने की व्यवस्था अभी कौन कर रही है? यूनियन वाले कर रहे हैं। यूनियन वाले कर रहे हैं? हाँ, आपकी तरफ से कुछ नहीं है? हाँ, नहीं सही वाले थे आप कुछ? नहीं नहीं। आप क्या नाम है आपका? बता रहा हूँ। कहाँ रहते हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? नागौर जिला के। नागौर जिला के? नागौर जिला में कहाँ के रहने वाले हो? मांडल जोधा। मांडल के? कौन से बट्टे में आप आए थे लेके इन लोगों को? अनु भाई के बटे पर। आप ठेकेदारी करते हो? ठेकेदारी करते हो। और क्या काम करते हो? कुछ काम भी करते हो? कुछ नहीं काम करते हूं। कुछ काम नहीं करते हो? कौन से बट्टे में लाए इनको? अनु भाई के बटा पर। अनु भाई का बट्टा कहाँ पर है ये? अनु भाई का बट्टा ये कावेठा। कावेठा में? आप कितने लोगों को लेके आए? 30 आदमी। कब लाए थे आप? मैं लिया था मुहूर्ता मुहूर्ता। कितने महीने पहले लाए? 5 महीना हो गया था। 5 महीना हो गया। एडवांस कितना लिया आपने सेट से? एडवांस 1,30,000। 2,30,000। 2,30,000 रुपये। और इन लोगों को क्या कह लाए, किस रेट से लाए आप? 511 रुपये। 511 रुपये के? कितने जनों को लेके आए आप? लगभग 30 आदमी। 30 आदमी। महिलाओं को कितना लाया? 10-12 महिला। सर सारा परिवार ही है वहाँ से लाया? हाँ सब परिवार से ले गए। किसके कौन से है? बावरी है सारे? सब बावरी है सर। तो क्या हुआ आपको, फिर बात हुई इनके बाद इनसे, एक हिसाब हिसाब नहीं कराया बीच में आपने कभी? हिसाब कराया नहीं सर। हिसाब नहीं कराया? क्या बोलो, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो उसका क्या करें, उसको क्या क्या उसको पूछा नहीं आपने? क्या बता, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? वो तो सब उल्टी सीधी बातें करता है। हाँ उल्टी सीधी बातें करता है, हमको नहीं देना का है। उल्टी सीधी बातें कर रहा है? हाँ क्या करोगे, क्या ले लोगे हमारे साथ? हम तो और भी ज़्यादा मांगते हैं तुम्हारे से। तो अभी आप लोगों का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। वो आपने जो पैसा लिया था उसके बाद इनको पैसा देने की बात हुई थी, आप कुछ सहायता नहीं कर रहे इनकी खाने की वगैरह? हाँ हाँ नहीं सहायता करेंगे। क्यों कहते हम देंगे नहीं? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ आप कुछ सहायता करने वाले थे खाने की व्यवस्था की? अरे मैं कम नहीं, इसके पास पैसे नहीं। कहाँ गए आपके एडवांस लिए, कहाँ रख दिया आपने? एडवांस बांटने वालों दे दिया, बांट दिया, खत्म हो गए सारे पैसे। अभी आपकी खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है इन सबकी? यूनियन करती है सर। यूनियन कर रही है। क्या नाम है आपका? शिवदेवी। हाँ शिवदेवी। कहाँ के रहने वाले हो? मांडल जोधा का। मांडल जोधा के? अभी कौन से पट्टे में काम कर रहे थे आप? कालेटा अनु भाई के। कालेटा अनु भाई के पट्टे पे? कितना टाइम से काम कर रहे हैं? बोले क्यों मारे? तो सेठ को बोले तेरी माँ का तेरा तू क्या करेगी? अच्छा तो उसको उसको बोला मेड़ी गई उसके उसके पास गई तो उसके पकड़ के हाथ मरोड़ कर दिया। हाथ मरोड़ के फिर आप भगने लगी तो उसका लुगड़ा पकड़ के जैसे फाड़ कर दिया, फाड़ गया फाड़ गया। तो फिर आप बाकी सबको बदल को बुलाया, सारा को बुलाया तो सारा अकेठा हो गया। तो उसको बोलिया शेर जी क्यों मारपीट की? ठेकेदार को आया कि और शेर जी क्यों मारपीट की? तो उसको बोलिया तेरे तेरे ऐसे क्या क्या करना है, मैं तो मारूंगा। तो उसको सास को ले जा के पकड़ के उसके 2-4 थप्पड़ मारी, डंडा लेके उसको मारने पीट दिया। तो उसके पकड़े बाढ़ में ऐसे भचड़ा दिया, उसके मारपीट ऐसे सिर में मारपीट हुई हंसराज के सिर में। हाँ हंसराज के। तो उसको सारा मैं बोले मैं हमारा हिसाब कर दो, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, इधर नहीं पड़ेंगे। सब लोगों को किया मेरे को हिसाब कर दो, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो उसको बोला चला दो हिसाब, कुछ नहीं।
किसी को हिसाब नहीं दिया? हाँ, किसी को हिसाब नहीं दिया। आपको कौन लेके आया था? हमारे को चंद्रराम ठेकेदार, बसराम ठेकेदार। आपने उनसे बात की, क्या हुआ फिर उनको हिसाब करने के लिए कहा? हाँ, बसराम को ठेकेदार को कियो, चंद्रराम को ठेकेदार को कियो, मेरा हिसाब करो। तो उन्होंने कोई बात नहीं की? हम जो चंद्रराम ठेकेदार को शेर जी को सर रहे कहते कि दाखिल कियो कि हमारा हिसाब कर दो, तो उसने बोला चला जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा पैर हाथ पैर काट के डाल दूंगा। फिर आप लोगों ने क्या किया? हम उससे हमारा ठेकेदार बोला चलो आप उस वहाँ पर चलेंगे, उस पर में हम हमारा पूर्व बोल जाकर वहाँ पर डाल के हम भागे यहाँ पर आ गए। फिर आप कहाँ पहुँचे? हम पूछे उनीन में। यूनियन का पता आपको किसने बताया? उनीन रमेश चेनाराम जी, चेनाराम जी ने बताया यूनियन। हाँ, फिर आप लोग कहाँ कहाँ यूनियन ऑफिस पहुँचे? उनीन गए आप? उनीन गए। क्या किया यूनियन वालों ने फिर? उनीन वाले को किया गया, तुम्हारा सब का सुविधा हम कर देंगे, तुम्हारा हिसाब किताब हम दिला देंगे, तुम्हारे को खर्चा पानी हम दे देंगे। कहाँ ले गए थे? कलेक्टर ऑफिस ले गए, कहीं ले गए? कलेक्टर ने जाके वहाँ कलेक्टर की नया यहाँ पर गाड़ी आना भाड़ा आया किराया सब यहाँ पर जाके हमारे वो इधर उनीन वाले। अभी आपको खाने का कोई पैसा नहीं आप लोगों के पास? एक नहीं है, घर जाने का पैसा भी नहीं है? कुछ नहीं, 1000 रुपया दे गए उनीन वाले हमारे को, क्या खर्चा पानी और दे देंगे तुमको, और कुछ तकलीफ हो तो और पैसा दे रहे, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं वो आप? हाँ, उनीन वाले कर रहे। और आपको भी कैश के लिए ले जाएंगे अभी? और बच्चों का वगैरह क्या व्यवस्था कर रखी, सोने की बिस्तर की वगैरह? कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी है आपके लोगों के पास कुछ नहीं? हम तो काटा पाटी किया आप सबके किया क्या? सबका कार्ड भी लगवा दिया, सबका कार्ड भी लगवा दिया। क्या अंगूठा लगवा रहा? जबरदस्त। हाँ, जबरदस्ती। हर्षाद को बोला, पहला हर्षाद को बोला अगर तुम यहाँ पर दस्तखत कर दो तो हर्षाद बोला नहीं करेंगे, तो उसको बोला तो इतना तो प्रसाद बोला नहीं करूँगा तो इसको मारपीट जब कर मारपीट किया। हाँ, सबकी डायरी ले ली उसने? हाँ, सबकी डायरी ले ली। जाओ जाओ कटे बोलता है, शोका बाब में हिसाब करूँगा, तुम कहीं भी जाओ, तुम लोग 30 आदमी हो तो झगड़ा करोगे ना, तो हम 60 आदमी लेके तुम्हारे को मरवा दूंगा, तुम क्या लेगे हमारे पास? बहुत धमकी देते हैं सर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, कोई भी थाना तहसील कोई नहीं बिगाड़ने वाला है, थाना कुछ नहीं जानता हूँ, सब मेरे साथ में रहता है, साथ में थाना जूनियन है, सब मेरा मेरा है, सब मैं करूंगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही भर दूंगा मैं। तो उधर जाके हमारे पास ही होगा, सारे हमारे पास ही होगा, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा। क्या बोल रहे आपको? वो बोलता है उसने सबके साइन तो करवा लिए, वो बोलता है तुम है ना कहीं भी सरकार में जाओगे ना तुम तो कुछ नहीं मांगते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दस्तखत ले लिए, अब तुम मेरे पास नहीं मांगते, जैसे भी हिसाब करेंगे ना तो अभी तुम कुछ नहीं मांगते हो, क्योंकि सबसे ये अनपढ़ थे सबके हस्ताक्षर ले। 3 दफा हो गया हमारे बच्चे को खाना खाया नहीं, 3 दफे से यहाँ पर जाके नीनाला मार को खाना खिलाया बच्चों को, तो बच्चे चढ़ाए तराए खेलने लगे, पैर सारा जल गया, यहाँ से भक्के आया नहीं तो पैर पूरा जल गया, बट्टा ऊपर हार नहीं बट्टा है उसके ऊपर आकर भाके तोड़ के आया सारा है। हमारा बकरी है, जानवर है, जानवर सब पूरा वहाँ पर ही है, वहीं छोड़ दिया, वहाँ पर ही छोड़ दिया सब, पूरा बकरियाँ सब सामान सामान वहाँ 7 बकरियाँ हैं हमारी, तो सारे में उसके उस पट्टे पर ही पड़ी है सारा सामान, वहीं पड़ा वहीं पड़ा है हमारा सारा, खाने निकालने नहीं दे रहा, खाने निकालने से ऐसे ही भाग गया, हम तो पैर वाला हमारा बच्चा का पैर सारा का इतना फला हो गया हमारा बच्चा के, 3 दफे से हमारे रोटी मिली, 3 दफे से हमारे उनको रोटी मिली है बच्चों को, तो बड़े बड़े तो रह जाए बच्चा कैसे रहे। हाँ, और बोलो तो कहीं मत जाओ।